महिला अत्याचार पर बदनाम हुआ राजस्थान, भ्रूण हत्या और निरक्षरता में पाया अव्वल स्थान, बद से बदतर होती जा रही महिलाओं की स्थिति यहाँ, दुश्वार हो गया जीना यहाँ। आंकड़ा कुछ इस बात की गवाही देता है कि महिलाओं के लिए राजस्थान में रहना दुश्वार हो गया है। भ्रूण हत्या से लेकर एजुकेशन से लेकर अपराध तक तमाम आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और आंकड़ा इकट्ठा करने वाली संस्था इंडिया स्पेन ने महिलाओं की स्थिति पर जो रिपोर्ट तैयार की है, उसने प्रदेश की महिलाओं की जिस स्थिति का खुलासा किया है वो यकीन मानिए शर्म से प्रदेश का सिर झुका देती है। देश में राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां गर्भ में बच्चियां सबसे कम सुरक्षित हैं, स्कूल जाने में भी बच्चियां फिसड्डी हैं, अपराध के मामलों में महिलाओं का हाल बेहद बुरा है और हद तो तब हो जाती है जब पता चलता है कि हर चौथी महिला की मौत प्रसव के दौरान हो जाती है। लेकिन सरकार क्या कहती है, कौन कौन सी योजनाओं का ढोल पीटा जाता है, ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस मुद्दे पर बात करेंगे। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा से लेकर शिक्षा तक, जन्म से लेकर शादी तक और विधवा से लेकर आवास तक लगभग 40 तरीके की योजनाएं चल रही हैं। जन्म के दौरान शुभ लक्ष्मी योजना से लेकर जननी सुरक्षा योजना तक है, यानी बच्चे के जन्म के दौरान खुश होने से लेकर मां की जिंदगी की सुरक्षा तक के लिए योजना है। वहीं बच्चे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति तक और शादी तक के लिए भी योजना है। रोजगार के लिए भी आंगनबाड़ी कार्यकृति बीमा योजना है, महिला विकास ऋण योजना है, महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ₹10,000 की एक मुफ्त अनुदान योजना है और स्वावलंबन जैसी भी योजनाएं हैं। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए ना जाने कितने हेल्पलाइन नंबर काम करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये 40 तरीके की योजनाएं भी महिलाओं की जिंदगी को जन्म से लेकर मरण तक सुधार नहीं पा रही। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि हाल ही में आंकड़े इकट्ठा करने वाली संस्था इंडिया स्पेन ने महिलाओं की स्थिति पर जो पड़ताल की है, उसने राजस्थान का सिर शर्म से झुका दिया। ये आंकड़ा सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2014, 2015 की जनगणना और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों पर आधारित है। इस पड़ताल में निकलकर सामने आया कि राजस्थान में औसतन 19.4 साल की लड़की की शादी कर दी जाती है। प्रसव के दौरान मां के मौत के मामले में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। राजस्थान में 23.9% महिलाओं की मौत प्रसव के दौरान होती है। महिलाओं पर अपराध के मामलों में राजस्थान तीसरे नंबर पर है। हर साल 31,151 मामले महिला अपराध के दर्ज होते हैं। महिला साक्षरता में भी राजस्थान सिर्फ बिहार से ऊपर है। बिहार में 51% और राजस्थान में 52.1% महिलाएं साक्षर हैं। देश में महिलाओं की साक्षरता का आंकड़ा 64.5% है। यह आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि प्रदेश में महिलाओं का हाल क्या है। जन्म के साथ ही महिलाओं पर अत्याचार शुरू होता है, उनके सपनों के गले को घोटा जाता है, तभी पढ़ाई के आंकड़े से लेकर जीवन शैली तक शर्मसार करती है। लेकिन सवाल है कि जिस प्रदेश में महिलाओं के उत्थान से लेकर उनके जीवन स्तर में सुधार तक के तमाम महकमों की मुखिया खुद महिला मंत्री हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी महिला हो, भामाशाह कार्ड के जरिए महिलाओं के हाल को सुधारने की बात की जाती हो, वहाँ क्या हर योजना सिर्फ दिखावा है या फिर सच्चाई ये है कि योजना सिर्फ कागजों में उपलब्धि गिनाने के लिए शुरू की जाती है, ना कि जमीनी हकीकत को, महिलाओं के जीवन स्तर को बदलने के लिए। इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट इसका जीता जागता उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। क्या वाकई में आंकड़े सही हैं? क्योंकि ये सवाल अक्सर खड़ा होता है। सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि सूरत बदल रही है, हर दिन एक नई योजना सामने आती है और कहा जाता है कि इस योजना के जरिए महिला उत्थान के लिए काम किया जाएगा। शायद यही वजह है कि पेट में बच्ची के बनने से लेकर बुजुर्ग होने तक आज राजस्थान में हर एज के लिए, हर महिलाओं के लिए अलग अलग तरीके की योजनाएं हैं, लेकिन फिर भी ना अपराध घट रहा है, ना शिक्षा बढ़ रही है, ना ही भ्रूण हत्या के मामले कम हो रहे हैं। क्या वाकई में योजनाएं कागजी हैं और जो दावे यहां पर अपराध पर कंट्रोल करने के किए जाते हैं वो खोखले हैं? बात विगुलेटर में इसी मुद्दे पर करेंगे और स्टूडियो में
मेरे साथ मौजूद हैं पीसीसी उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा जी, बीजेपी नेता निमिषा मुकुंद जी, सामाजिक कार्यकर्ता कमल टांग जी और विश्लेषक मानचंद खंडेला जी। निमिषा, चर्चा में आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। सरकार से जब पूछा जाता है, कहा जाता है कि आंकड़ों में गिरावट आई है, लेकिन हर बार आंकड़े जो गवाही देते हैं वो बताते हैं कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कौन सी संस्था है, कहां, किस आधार पर, किस अधिकृतता से इसने जो इस सर्वे के विश्लेषण सामने लाए हैं जी, उनकी उनका क्या ऑथराइज्ड है? मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कौन सी संस्था ने कौन से आंकड़े किए, किस तरह का सर्वे प्रस्तुत किया जी। क्योंकि जो सरकारी आंकड़े हैं, जो विभागीय आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के आधार पर लगातार सुधार हो रहा है। कुछ दुर्घटनाओं को हटा दें तो हम ये देख पा रहे हैं कि आंकड़ों में लगातार आपराधिक आंकड़ों में लगातार गिर रहे हैं जी। बेहतर हो रही है। चलिए मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। आंकड़ा इकट्ठा करने वाली यह संस्था है, लगभग हर साल इस तरीके के आंकड़े इकट्ठे होते हैं, लेकिन जिस आंकड़े का यहाँ पर जिक्र किया गया है वो बाकायदा तीन चीजों पर आधारित है जी। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2014, 2011 की जनगणना और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े, इन तीनों को एक साथ मिलाकर ये रिपोर्ट तैयार की गई। और ये तीनों ही संस्था जो आंकड़े इकट्ठा करती हैं, आपको मुझसे बेहतर जानकारी होगी कि तीनों ही सरकारी हैं। उसने विश्लेषण किया है खाली, ये विश्लेषण की आधार क्या है, किसने बैठ के विश्लेषण किया है, क्या विश्लेषण किया है, ये आप जो सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उसको किस तरह से बायस होकर प्रस्तुत किया जा रहा है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। क्योंकि जिन सरकारी आंकड़ों को मैं लेकर आई हूँ, संस्था के तीन आंकड़े, तीन संस्था लेकर और तीनों का विश्लेषण है, मैं जो विश्लेषण करके आपके सामने आके बैठी हूँ, तो एक पूरे कार्यकाल का विश्लेषण जो किया है हमने जी। तो आज हम जो मैंने कहा आपको विजय, कुछ घटनाओं को हटा दे, कुछ दुर्घटनाओं को हटा दे, तो आज हम देख पा रहे कि हम काफी बेहतर स्थिति में, महिलाओं के प्रति अपराध, आंकड़ों के साथ कमी आई है। आंकड़ों को मैं भी लेकर आई, बताइए पिछले ढाई साल के अंदर कन्या भ्रूण हत्या में कितनी कमी आई है, आंकड़ों महिलाओं के अपराध के अंदर कितनी कमी आई है, जरा बताइए आंकड़ों को लेकर। से 2013 से 15 में नहीं आ पाया विजेंद्र जी, 2013 से 15 में जो आंकड़े थे, आंकड़ों की जो पूरे आंकड़ों के डाटा लेकर जो मैं आपके चैनल पर दूंगी आपको जी, आंकड़ों में कमी आई है, जो रजिस्टर्ड हुए, जो FIR आई है, उन सारी मान सिंह जी आपको तो मैं उत्तर दे नहीं हूँ, जो मुझसे पूछ रहे हैं उनका उत्तर आप विश्लेषण के लिए बैठे हैं कि प्रश्न जो पूछ रहे हैं उनका उत्तर दूंगी मैं। निमिषा जी सुनिए जरा, आवेश में ना आइए, बता दें किसमें क्या है, ऐसा सवाल है जानना क्या, बताइए कि आंकड़े नहीं नए वाले आंकड़े लेकर आई हूँ मैं, क्या ये आंकड़े बीजेपी के हैं, ये सरकारी संस्था के आंकड़े, सरकारी विभाग के हैं, ये सरकारी विभाग के आंकड़े हैं जिनको लेकर के सामने आई हूँ मैं, आपको आंकड़े दिखा दूंगी मैं। अपराधों में निश्चित तौर पे कमी आई है, अपराधियों को पकड़ करके उनको कार्यवाही की जा रही है, उस आधार पर अपराधों में सुनिश्चित तौर पर कमी आई, बलात्कार में कमी आई है, महिलाओं पर, मान सिंह खंडेला जी कुछ दुर्घटनाओं को छोड़ दें आप, अरे तो सुनिश्चित तौर पर बात हो गई यार, कितने सुनिश्चित तौर पर इन आंकड़ों का विश्लेषण आप करिए। मान जी रुकिए जरा निमिषा जी, यहाँ पर मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ मेरे तमाम जो गेस्ट हैं उनको कोई समस्या नहीं होगी अगर आप आंकड़े यहाँ पर प्रस्तुत कर दीजिए। समझ में आया आसानी से कि कितना राजस्थान के अंदर 2012 से 2013 में क्या हुआ, महिलाओं के उत्थान के लिए क्या हुआ, इस पे बात करते हैं हम, है ना। महिलाओं के उत्थान की बात की जाए तो हम मैडम जी 13 में ये आपने जिस विषय पे बुलाया कि महिला के अपराधों में वृद्धि हो रही है, महिलाओं के प्रति अपराध अत्याचार बढ़े हैं, तो सुनिश्चित तौर पे मैं उन आंकड़ों को लेकर आई हूँ कि नहीं जी, बताइए नहीं है, कमी हुई है। मान सिंह जी आप देख लीजिए कागज, एक कागज बात कीजिए मैडम जी, जिससे हम जान लें क्या दिक्कत हमको। अपराध में 2013-15 में 2.67 और कमी आई है, जो कमी जो आई है काफी कमी आई है। अरे बाबा क्या कमी, किसमें कमी, कितनी कमी, ये लीजिए देखिए। अरे मैडम जी नहीं करवाऊंगा प्लीज, मैं आपको रूप से जी लगता है मुझे गुस्सा हो गया, हम सीधा सीधा सवाल करें आंकड़ों के साथ। निराधार, सीधा साधा जवाब मैं आपको ये दे रही हूँ कि जब कोई
ऐसी आपने जो सर्वे सामने प्रस्तुत किया, सर्वे का आधार क्या है, उन्होंने विश्लेषण किस टीम ने बैठ के विश्लेषण किया? निमिषा देखिए, जब भी सत्ता व्यक्तिगत ना होइए, आधार क्या है? मैं जो आंकड़े यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, सिंह जी आप जाइए ना, विजेंद्र जी की जगह बैठ जाइए, विजेंद्र जी काम कीजिए, आप जाके वहाँ बैठिए, आप जाके वहाँ बैठ के प्रश्न पूछिए, तब मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। निमिषा जी सुनिए जरा, मानचंद जी रोकना चाहूंगा, निमिषा जी सुनिए जरा, मैं जो आंकड़े यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, उत्तर दूंगी। निमिषा जी जो मैं आंकड़े यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ वो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, वो जनगणना के आंकड़े हैं, और वो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2014 है। क्या इस बीच सरकार ने अलग से सर्वे करा लिया? अलग से सर्वे नहीं करवाया, जो एफआईआर वहाँ पर होती है उस पर कितनी कार्रवाई होती है, कितनी आधारात्मक होती है, कितनी तथ्यात्मक होती है, उन विश्लेषण के आधार पे गृह विभाग प्रत्येक महीने, यदि हम ये जानना चाह रहे हैं, प्रत्येक महीने आपराधिक दर्जे दर्ज होते हैं। निमिषा जी, कौन से साल में, हम किस पर जानना चाह रहे हैं आपसे? निमिषा जी देखिए, आप जनवाद आंकड़े आप बता रहे हैं ना, वही एनसीआरबी के थ्रू जनता तक पहुँचते हैं, हर साल पहुँचते हैं। अगर आपके पास आंकड़े हैं तो आप उनको सार्वजनिक कीजिए ना, तो लीजिए ना, आप हमारी वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, आप देखिए, फिर आप विश्लेषण करके बात कीजिए। पास आऊंगा, शायद लगता है कि पर्चा लेकर निमिषा यहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन वो चाहकर भी आंकड़े सार्वजनिक कर नहीं पा रही। क्या बात है, आपको नजर आता है अर्चना जी? विजेंद्र, एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक बहुत ही संवेदनशील और यूं कह सकते हैं एक बहुत ही ज्वलंत समस्या पर चर्चा कर, अब ये समस्या जितनी गंभीर है उतनी गंभीरता इस डिबेट में भी होनी चाहिए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा, और ये खोदने से कि पिछली बार क्या था और आगामी समय में क्या इनकी योजना, उससे पारनी पड़ेगी। आज जो वस्तु स्थिति है, जो वास्तविकता, उस पर चर्चा होनी चाहिए। आपने जो सारे आंकड़े बताए वो उन अधिकृत एजेंसीज के आंकड़े हैं जो कि भारत की सरकार और राज्य सरकार और अन्य एजेंसीज मिलकर के करती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये एजेंसीज हैं जो बताती हैं कि गत समय में कितने डॉक्यूमेंटेड क्राइम्स हुए हैं। कोई अनडॉक्यूमेंटेड की बात नहीं करते हैं, अनडॉक्यूमेंटेड की अगर बात करने लगेंगे तो भयाक्रांत करने वाली भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो जो स्थिति आपने अवगत करा उसी में एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि जब भारतीय जनता पार्टी का शासन यहां स्थापित हुआ उसके बाद स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो अपना आंकड़ा प्रस्तुत किया उसमें स्पष्ट हुआ कि प्रतिदिन 10 से 12 बलात्कार रिकॉर्ड में आ रहे थे, डॉक्यूमेंट किए जा रहे थे, जो अनडॉक्यूमेंटेड थे उनको छोड़ दीजिए, इतना एबडक्शन जो था महिलाओं का उसकी स्थिति थी। तो अब जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है जिसकी रिपोर्ट आई है 15 तक की, उससे स्पष्ट हुआ है कि प्रदेश में महिला शोषण का मामला इतना भयंकर हो चुका है कि राजस्थान जिस बिहार और उत्तर प्रदेश से स्पर्धा कर रहा था और जिस मध्य प्रदेश से आगे पीछे हो रहा था, उन सबको पछाड़ करके अब दूसरे पायदान पर आ गया जी। ये मैंने कह रही हूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कह रही है जो भारतीय जनता पार्टी के शासन के अधीन काम करती है। उसके अतिरिक्त यदि SC ST के एट्रॉसिटीज को उसको कंबाइन कर ले तो महिला शोषण का ग्राफ जो है जिसमें कि यूं कह सकते हैं यौन शोषण की जो स्थिति है उसे पहले नंबर पर प्रदेश है जी। अब समस्या ये है कि हम इसमें आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दें, ये कोई आंकड़े लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास करें या भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट को हम विजिट करें, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जो इतने भयंकर अपराध महिलाओं के प्रति हो रहे हैं उसको लेकर के एक ऐसा राज्य जो महिला मुख्यमंत्री के द्वारा शासित है उसके लिए विचारणीय मुद्दा है कि उस पर अंकुश लगाने में क्यों ये नाकामयाब। लेकिन सिर्फ महिला मुख्यमंत्री नहीं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री भी महिला है। विजेंद्र, होता अमूमन होता ही है हर प्रदेश में, ये पोर्टफोलियो महिलाओं के लिए आरक्षित होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ी बात यह कि महिला मुख्यमंत्री का होना और महिला मुख्यमंत्री के होने के बाद 50% आबादी असुरक्षित हो अपने घर में, पुलिस अभिरक्षा में, सड़कों पर, चेन स्नैचिंग के रिकॉर्ड टूटे राजस्थान में, तो ये स्थितियां, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये चर्चा नहीं होनी चाहिए कि इनकी पार्टी ने, इनके संगठन ने क्या आंकड़े जुटाए, यहाँ चर्चा होनी चाहिए कि 3 साल की बच्चियों के साथ राजधानी में 7 दिन के अंतराल पर क्यों यौन शोषण, उनका बलात्कार होता है, दुष्कर्म होता है, और क्यों पुलिस उन लोगों को ट्रेस नहीं कर पाती, क्यों उनकी विजिलेंस में कमी है, क्यों महिलाओं को घर में सुरक्षा प्राप्त नहीं है, क्यों महिला पुलिस अभिरक्षा में मारी जाती है, क्यों बच्चियों को घर से निकलने से पहले माँ बाप के मन जो है इतने घबराते हैं, क्यों ऐसी स्थितियां व्याप्त हैं, क्यों भयाक्रांत होने का वातावरण व्याप्त है, ये चर्चा का मुद्दा है।
और चर्चा का मुद्दा इसीलिए क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में गई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर भावनात्मक रूप से जनता के बीच में प्रस्तुत किया था और हो सकता है कि वो जो परसेप्शन था उसका भी बहुत बड़ा योगदान इनको मिला चुनाव जीतने में। अब जनता चला हुआ महसूस करती है। चलिए अर्चना जी, वापस मैं अब आपके पास आऊंगा। मानचंद जी, आपके पास मैं आऊंगा। एक विश्लेषण यहाँ पर किया गया और उसके साथ निमिषा जाती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन आज जब ये विश्लेषण सामने आया उसके बाद राजस्थान सरकार की वेबसाइट पे मैं गया और देखकर वाकई में चौंक गया। महिलाओं के लिए 40 से ज्यादा योजनाएं चल रही हैं, बच्ची पैदा होने से लेकर बुजुर्ग तक तमाम योजनाएं हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च होता है, लेकिन आंकड़े फिर ये दिखाते हैं कि ना बच्ची पेट में सुरक्षित है, ना पढ़ाई कर पा रही है, ना अपराध पर नियंत्रण हो रहा है। आखिर ये सब कुछ क्या है? एक सटीक विश्लेषण मैं आपसे भी चाहूंगा। लेकिन मैं एक बात यहां से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। एक ये कि बच्ची जब स्कूल में जाती है तो उसको 2000 रुपए जमा करने पड़ रहे हैं। उसका मैं गलती हूं, मनीषा जी ठीक कर देंगी, लेकिन मैं एक से कह रहा हूं वो स्कूल कौन सी होगी? सरकारी स्कूल होगी खाली, यानी जिसमें कोई देखना पसंद नहीं करता, बल्कि मैं तो कह रहा हूं थूकना पसंद नहीं करता, वहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा केवल भिक्षा में 2000 रुपए लेने के लिए। यानी पूरा कैरियर आप बर्बाद करो तब सरकार उसको देगी। मानचंद जी, सरकारी स्कूल के जो रिजल्ट्स के आंकड़े ना वो देख करके उनके सरकारी स्कूल की जो स्थिति है ना, गंभीरता से एक पोजीशन आई है अब की बार बोर्ड में और बाकी 40 से 45 से 50 रिजल्ट की बात कर रही हूं। प्राइवेट को उसकी बात नहीं करना चाह रहा, औसतन रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं। कि नेता कोई भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता, अभिनेता नहीं पढ़ाता, व्यापारी नहीं पढ़ाता, अफसर नहीं पढ़ाता, ऐसी स्कूलों में अगर बच्ची एडमिशन लेगी तो उसको 2000 रुपए मिलेंगे। मानचंद जी, मैं तो सीधा सा सवाल कर रहा हूं, 40 योजनाएं हैं बच्ची के पैदा होने से लेकर बुजुर्ग तक और किसी भी स्तर पर महिलाएं सुरक्षित नहीं। सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब सुरक्षित नहीं है, सारी बातें मैं बार बार जब चैनल पे आता हूं आपसे कहता हूं, जो आदमी अकाउंटेबल है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? ये सारे के सारे सरकारी मुलाजिम है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है, और जो ये पब्लिक सर्वेंट है, और अगर ये काम नहीं करते, निष्क्रिय है, नकारा है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, टाइम बाउंड नहीं है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ये कार्रवाई होगी तो वास्तव में सारे काम होंगे। अब मैं आपको दो तीन बातें बताना चाह रहा हूं। देखिए, जहां तक एजुकेशन की बात, ये बात रही, अब मैं एक आंकड़ा आपने दिया, 19% जो साल है उसमें शादी होती है, और जो लीगल है वो क्या है? ये इससे नीचे नहीं होगी, 18 साल से नीचे शादी नहीं हो सकती। अब आप एवरेज से बताइए 18 साल के नीचे कितनी शादियां होती होंगी, तब जाकर एवरेज जो है 19 समथिंग आता होगा। ठीक बात। खुलेआम शादियां हो रही हैं, खुलेआम बच्चों की शादियां हो रही हैं और समूह में हो रही हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही। एक बात, दूसरी बात जी, आपने पता नहीं एक नहीं 50 बार इस प्रकार की न्यूज आ गई समाचार पत्रों में कि हॉस्पिटल के बाहर प्रसव हो गया, रोड पर प्रसव हो गया, लाते समय प्रसव हो गया। अब मैं क्या बोलूं इसमें, आप बताइए क्या विश्लेषण करूं मैं? जो यथार्थ है उसका मैं क्या विश्लेषण करूं? मैं केवल यही तो कहूंगा कि चाहिए चाहिए नहीं सुनते यहां पर, यानी काम होना चाहिए इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। और आपने कहा कि 40 योजनाएं, उस 40 योजनाओं में केवल पैसा जाता है, डकारा जाता है, जाता भी नहीं है, डकारा जाता है, बढ़ते चले जाते हैं और कोई उस तरफ ध्यान तो फिर आंकड़ों की बाजागिरी यहां पर नजर आती है। कमल टांग जी, आपके पास मैं आऊंगा। जवाबदेही यात्रा आप लोगों ने निकाली, क्या इस तरीके की समस्याएं भी उस दौरान सामने आई और क्या आंकड़ा आपके पास भी कुछ ऐसा है जो इस बात को बता दे कि जो आंकड़ा हम यहां पर पेश कर रहे हैं वो सही है, या आपको लगता है कि जो विश्लेषण यहां पर किया गया है वो गलत है? देखिए, आंकड़े जो हैं वो एक सूरत बताते हैं जी, और ये सूरत वाकई बिगड़ी हुई है, ये साफ दिखती है, परंतु इसके पीछे की जो ढाल है वो हमें देखनी ही पड़ेगी। समाज का जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर जो पूरा पॉलिटिकली और सरकारी जो सिस्टम है वो किस तरीके से उन सारे बुरी कुरूतियों को रोकने के लिए कारगर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये अपने आप में प्रश्नचिन्ह, चाहे वो बाल विवाह का मामला है, चाहे वो महिला सुरक्षा का मामला है, चाहे वो बच्चियों के एडुकेशन का मामला है, चाहे वो भ्रूण हत्या का मामला है जो बच्चियों के संबंध में है जी। उसके लिए किस कारगर तरीके से आप अपने सिस्टम को एक्टिव करते हो वो आपके इन परसेंटेज के अंदर कमी या बढ़ोतरी ला सकती है। मौजूदा हाल के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि आपके द्वारा किया गया काम संतुष्टि वाला नहीं है, ये स्थिति को और बिगाड़ने वाला है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार जननी शिशु सुरक्षा योजना चलाती है लेकिन हकीकत ये निकल कर सामने आती है कि हर चौथी बच्ची की मौत हो जाती है, हर हकीकत ये निकलकर सामने आती है कि हर चौथी महिला प्रसव के दौरान मर जाती है।
सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना बेटी बचती है ना बेटी पढ़ती है, हालात ये हो जाते हैं कि बिहार के बाद राजस्थान का नंबर आ जाता है। नहीं, इसका मतलब वो कह रहे हैं महिला को मत बचाओ, ये कहना चाह रहे हो? मतलब इसका मतलब यही तो है ना कि वो कहना चाह रहे हैं। अरे उनके कहने से होता क्या है, सवाल जा रहा है कि मैं आपको 20 मिनट गिराऊं, या उन्होंने कहा वो नहीं करेंगे अगर आप लोग आज्ञा दे तो। सवाल है, वो बिल्कुल वही बात कहते हैं जो नहीं करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं बिल्कुल नहीं कहते हैं वो। और मैं आपको यहां पे इस बात को आगे सूबे ले जाना चाह रहा था कि आप महिला को समझते क्या है। पहली बात तो ये, आपने बार बार ये कहा कि महिला मुख्यमंत्री है, अगर ऐसी बात अब भी कही जाती है कि महिला होने के बाद में ऐसा होना चाहिए, मैं उसको लानत मानता हूं। सवाल है, समाज का ढांचा इस तरह का क्यों नहीं बन गया? अब मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं, अभी भी जो है वो पुराने जमाने की दाई वो बहुत बढ़िया है। मैं कंजर्वेटिव मेरे को कह देना, लेकिन मैं यथार्थ कह रहा हूं, और वर्तमान समय की जो नर्स है वो ऐसा काम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इमोशन नहीं है, उसमें समर्पण नहीं है, उसे टाइम बाउंड नहीं है, वो पहचानती नहीं है, वो उसके व्यवहार को नहीं जानती है, सास ससुर को नहीं जानती है, और इस तरह से उनके आर्थिक स्तर उसको नहीं जानती है। और पुराने जमाने की दाई जो है ना वो अच्छा काम। लेकिन मानचंद जी, जिसके दूसरे नजरिए को देखे तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर कितने अस्पतालों के अंदर प्रसव की सुविधाएं दी जा रही है। खबरें सामने आती हैं कमल जी, आपके पास मैं आ रहा था और सवाल यही है, प्रसव के लिए महिलाओं के प्रसव के लिए व्यवस्था नहीं, स्कूलों का एकीकरण हुआ, सामान्यकरण हुआ, उसके बाद भी पता नहीं क्या क्या हो गया, स्कूलों को कम कर दिया गया। यही कहना चाह रहा हूं, पुलिस जिस तरीके से दहेज के लिए महिलाएं कोर्ट के चक्कर काटती हैं, दुष्कर्म पीड़िता कोर्ट के चक्कर काटती है, न्याय मिलता नहीं, क्या ये सारी लचर व्यवस्था ही इन आंकड़ों को बढ़ा देती है? देखिए, मैं जब आपसे ये बात कर रहा था कि इन सिस्टम्स को जो संभालने वाले लोग हैं वो इस पे ध्यान नहीं देते। अब जैसे हम स्वास्थ्य की बात करें तो आप जाएं सीएससी के अंदर, आपको सीएससी के अंदर ओटी नहीं मिलती है चालू। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको कोई भी गायनिक डॉक्टर नहीं मिलेगी जो वहां पर कर सके। यदि गायनिक डॉक्टर मिल जाएगी तो कहेंगे एनेस्थीसिया वाली नहीं है, कोई भी डॉक्टर या कोई भी स्टाफ नहीं है तो एनेस्थीसिया नहीं लगा सकते, इसलिए हम उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आप सीएससी लेवल तक पर भी कोई भी गायनिक डॉक्टर या आप एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं उपलब्ध कराएंगे, और ये हमने सर्वे में पाया जब हम अलग अलग ब्लॉक में गए राजस्थान के पूरी जगह कि वहां पर वो है ही नहीं, तो आप वहां ऑपरेशन ही नहीं कर सकते। तो ऐसे मामले में जो भी डिलीवरी केस आएंगे जिनको ऑपरेशन के लिए जाना है वो बिगड़ने ही बिगड़ने, और ऐसे सूरत के अंदर मां भी मरेगी और उसकी कोख में पल्ले वाली बच्ची भी मरेगी। जिम्मेदार कौन? बहुत बार सुना है राजनेताओं के अब ये जिम्मेदार चिकित्सक है, जिम्मेदार चिकित्सा के अधिकारी है, जिम्मेदार मंत्री है, लेकिन जिम्मेदार हैमर नहीं करेंगे, क्योंकि सब जगह लावड़े बांटे जाते हैं, समझौते किए जाते हैं, कंसीडरेशन होते हैं, इनमें रुपये आप समझिए। और जो लाल पिताशाही है वो वहां पर हावी है, और वो निष्क्रियता है उसको नकारा जाता है, और अपने अपने डॉक्टर एक एक मंत्री के साथ रखे जाते हैं। निमिषा, आपके पास में आऊंगा और सवाल ठीक है, और विजेंद्र जी, ढाई साल के अंदर में जो भी ढाई साल के अंदर भी अगर आंकड़ों में गिरावट ना आए तो क्या कहा जाए? विजेंद्र जी, मैं जो कह रही हूँ कि आप जिन आंकड़ों के आधार पर जो बहस कर रहे हैं उसका आधार मुझे अभी तक तथ्यात्मक रूप से समझ नहीं आया। निमिषा जी, आधार सरकारी एजेंसी है। एक बात विजेंद्र जी, मैं कह रही हूँ सरकार है, बीजेपी की सरकार है, बहस तो करिए कम से कम सही बात पर। आपके निराधार उत्तर के लिए आपके जरिए निमिषा, एक बार आपके जरिए दर्शकों को आधार बता रहा हूँ, निराधार फिर सुनिए को लेकर के देख ले हम सुनिए जरा एक बार विजेंद्र जी के साथ माध्यम से पूछ रहा हूँ, मेरे मेरा अधिकार है, आप मेरे को नहीं कह सकते, विजेंद्र मेरे को कह सकते हैं आप मेरे को नहीं कह सकते। मानचंद जी रुक जाइए, बोलिए जरा निमिषा फिर सुनिए, आप विजेंद्र जी कहिए ना, आधार सुनिए जरा, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2014 सरकारी एजेंसी, 2011 की जनगणना सरकारी एजेंसी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो सरकारी एजेंसी, तीनों को आंकड़ों का विश्लेषण है और आप आधार पर पूछ रहे हैं। ढाई साल से जो हमारी सरकार के जो कार्य हैं उन कार्यों के आधार पर मैं आपको निश्चिंत करना चाहूंगी, जो भी दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक बोलने दो प्लीज, मानचंद जी सत्य सुनना नहीं चाहते।
आप सुनने का धैर्य रखिए, आपको भी तो धैर्य पूर्वक, हम आपकी निराधार बातों को धैर्य पूर्वक सुनते नहीं है। आप प्लीज बोलिए, किसको किस बात को आप कहाँ ले जाते हैं? चलिए निमिषा जी मैं उनको टोक दूंगा, आप बोलिए। आपके पास शिक्षा को लेकर के देखें, स्वास्थ्य को लेकर के देखें, महिलाओं के प्रति अपराधों की प्रवृत्ति को लेकर के देखें, जो भी दुर्घटनाएं होती हैं महिलाओं के प्रति अपराध के अंदर, तो उनको प्रत्युत्तर अपराधी को दिया जाता है, मुस्तैदी से दिया जाता है। और अस्पताल में कोई प्रोग्राम है, आपने किसको सजा दी किसको नहीं दी, मैं सिर्फ इतना और आंकड़ों में मेरे अनुसार तो विजेंद्र जी आंकड़े नहीं बढ़ आंकड़ों में कमी आई मेरे अनुसार। अगर ये कह रहे हैं कि आपके आप लेकर आए, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ, आपको पूरा वक्त दे रहा हूँ, आप आंकड़ों को एनालिसिस कर लीजिए और ब्रेक के बाद बताइएगा कि आखिर किस तरीके से आपके आंकड़े कहते हैं कि यहाँ पर अपराध में कमी आई, एजुकेशन सिस्टम बढ़ गया, प्रसूता की मौत नहीं होती है और साथ के साथ बच्ची जो दुष्कर्म का शिकार हो रही है उसके आंकड़ों में कमी आ रही है। आपके पास आंकड़े हैं ना, बिग बुलेटिन में आज हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान में आखिर महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती हुई क्यों जा रही है, और इसका आधार जो है एक बार फिर हम आपको बताते हैं। दरअसल संस्था इंडिया स्पैंड ने आंकड़ों को इकट्ठा किया, सरकारी आंकड़ों को इकट्ठा किया, तो निकलकर सामने आया कि राजस्थान में औसतन 19 साल की लड़की की शादी कर दी जाती है। जरा अंदाजा लगाइए, कुछ लड़कियां होंगी हजारों में जिनकी शादी 25 साल की उम्र में होती होगी, यानी इसका दूसरा मतलब यह निकलता है कि हजारों लड़कियां ऐसी होंगी जिनका बाल विवाह यहां पर होता होगा। दूसरा आंकड़ा यहां पर कहता है कि राजस्थान में 23.9% महिलाओं की मौत प्रसव के दौरान हो जाती है, यानी कि हर चौथी महिला की मौत प्रसव के दौरान हो जाती है। तीसरा आंकड़ा यहां पर कहता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले हर साल राजस्थान में 31,151 है और देश में राजस्थान इसके हिसाब से तीसरे नंबर पर आ जाता है, और साक्षरता के हिसाब से राजस्थान सिर्फ बिहार से पीछे है। जरा सोचिए, बिहार के बाद राजस्थान के अंदर महिला साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है, और उसके बाद सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर क्या वाकई में जो 40 योजनाएं महिलाओं के उत्थान के लिए प्रदेश में चल रही हैं क्या वो सिर्फ कागजी हैं? बात इसी मुद्दे पर कर रहे हैं, और स्टूडियो में मेरे साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा जी मौजूद हैं, बीजेपी से निमिषा मुकुंद मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता कमल टांग जी मौजूद हैं और विश्लेषक मानचंद खंडेला जी मौजूद हैं। निमिषा, एक बार फिर से मैंने आंकड़ों का जिक्र यहां पर किया, आंकड़ों के जरिए सिर्फ बताइए कि अपराध कैसे कम हुआ और किस श्रेणी में कम हुआ, पिछले 2 साल में महिला साक्षरता में राजस्थान ने कितनी बढ़ोतरी की है, अपराध में कितनी कमी आई, क्या वाकई में प्रसूताओं की मौत का आंकड़ा कम हो गया है, आंकड़ों के साथ बताइए। देखिए, अभी जो आंकड़े मेरे सामने हैं, आंकड़ों में साक्षरता में सुनिश्चित तौर पर हमारी जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं, 52% के लगभग है, लेकिन 2013 में जो बालिकाओं का जो स्कूल एडमिशन था वो लगभग 12 लाख के लगभग था, और 2016 में ये 19 लाख तक पहुंचा है। तो जो स्कूल एडमिशन प्रोसेस ये एक दूर दूरगामी परिणामों की ओर अग्रसर है, एडमिशन प्रोसेस जो छात्राओं का है वो बड़ा है जी। और अपराधों में जो ओवरऑल एनालिसिस है जिसमें दहेज मृत्यु, दहेज आत्महत्या का दुष्प्रेषण, महिला उत्पीड़न, बलात्कार, छेड़छाड़, अपहरण, इन सब में 2013 से 15 के अंदर 2.67% की कमी थी, कंपैरिजन में 2014-15 के अंदर 14.41% की कमी थी। यह गृह विभाग के आंकड़े हैं जो आपको वेबसाइट पे भी उपलब्ध होंगे और गृह विभाग में ऑथेंटिक आंकड़ों को लेके बैठी हूँ मैं जी। तो ओवरऑल एनालिसिस, कुछ दुर्घटनाओं को हटाएं हम, तो औसतन आंकड़ों के अंदर सुनिश्चित तौर पे कमी आई है, और फिर भी हम प्रयासरत हैं कि और तेजी से कमी आए अपराधों की ओर। अर्चना जी, आपके पास मैं आऊंगा, क्या वाकई में आंकड़ों की बाजीगिरी है या कह दिया जाए कि जो आंकड़े यहाँ पर प्रस्तुत किए गए या सरकारी संस्था ने जो पहले आंकड़े दिए थे वही गलत थे? देखिए विजेंद्र, ये डिबेट मैंने शुरू में कहा बहुत गंभीर मुद्दा है, और मैं इनके आंकड़ों का खंडन करूं या उसका उसके ऊपर प्रतिक्रिया दूं मैं आवश्यक भी नहीं समझती इस चीज को, क्योंकि मुझे इन आंकड़ों पर किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं, क्योंकि चाहे एनसीआरबी का आंकड़ा हो चाहे राज्य के क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, उससे ऊपर इनके आंकड़े नहीं हो सकते जो भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर। आप बोल रहे थे कोई बीच में नहीं बोलता, और ये गंभीरता बनाए रखी। आप एक महत्वपूर्ण बात समझिए विजेंद्र की, समाचार प्लस ने एक जब ये शादियां हो रही थी बाल विवाह, तो आपने देखा चित्तौड़ में सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन, और यू कह सकते हैं सबसे बड़ा खुलासा आपके चैनल में जी। उस दौरान क्या गंभीरता बरती सरकार ने, उसका खुलासा भी आपने किया। 5 दिवस तक लगातार शादियां हुई भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में,
प्रशासन की नाक के नीचे, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। आपको ध्यान होगा पूर्ववर्ती समय में जब हम डायन प्रथा के उन्मूलन के लिए एक्ट लेकर के आ रहे थे, फिर उसको सेंटर ने कंसोलिडेट करने का काम किया, दुर्भाग्यराम शासन से बाहर हुए, उसके बाद इन्हें अवसर मिला और ये विधानसभा में उसको पारित कर गए। वो हम ये नहीं कहते इनको श्रेय नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वर्बल अब्यूज के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। उस वर्बल अब्यूज की उस एक्ट की कितनी अनुपालना हो रही है इसको तो देखने को इनके शासन में अनेकों बार मिला। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हुआ कि जब एक महिला को डायन कह के और नग्न करके और गधे पर घुमाया गया काला करके, तो अंतर्राष्ट्रीय पटल यानी यूनाइटेड नेशन से शोकपूर्ण टिप्पणी आई उस राज्य के लिए जो महिला शासित है। उसके बाद ये जो स्थितियां होती है भ्रूण हत्या की, तो इनके जो चिकित्सा मंत्री, हमारे चिकित्सा मंत्री, राज्य के हमारे सम्मान्य चिकित्सा मंत्री का उद्गार व्यक्त हुआ कल कि भ्रूण हत्या सामाजिक बुराई है, सरकार का इससे कोई सरोकार नहीं है। हतोत्साहित करने वाला बयान उस अक्षम मंत्री का जो दो बार शर्मिंदगी सार्वजनिक रूप से महसूस कर चुके। अब रही गृह विभाग के आंकड़े प्रस्तुत कर रही थी, गृह मंत्री तो खुद सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं कि मैं एकदम अक्षम हूँ, मेरी जो कार्यशैली है उसको असहाय हूँ, क्योंकि मुझे जो प्रशासन है सहयोग नहीं करता। तो जिस राज्य का गृह मंत्री ये कहता हो कि मुझे पुलिस प्रशासन से सहयोग नहीं मिलता, उनके प्रवक्ता आकर के उस चैनल पर दावे करते हो, अपनी सरकार के आंकड़ों को रेपुडिएट करके और ये स्थापित करना चाहते हो कि उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया, तो सचमुच में शर्मसार करने वाली स्थिति है। होना ये चाहिए था कि बिल्कुल निरपेक्ष होकर के एक विश्लेषण होता, आत्मावलोकन करते ये लोग और आकर के सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते कि आधा कार्यकाल तो हमारा महिलाओं के दुर्भाग्य को समर्पित था, उसको बदलने के लिए हम क्या कदम उठाने वाले, 40 योजनाएं, किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं दे रही महिला की सशक्तिकरण की। और सही तो कह रहे थे कमल कि समानीकरण एकीकरण करके आपने क्या किया, सबसे ज्यादा गलत कदम आपने उठाया महिलाओं की स्कूल यानी बच्चों के स्कूलों को मर्ज करके, राजधानी में 25 बालिका स्कूलों को बंद किया। अब कौन सा आंकड़ा लेकर क्या आई थी ड्रॉप आउट को लेकर के, मेरे समझ से परे कि 12 लाख से 19 लाख हो गया टोटल ड्रॉप आउट को, कभी मंत्री जी 6 लाख 5 लाख करके ये दावा करते थे, ये तो सीधे 9 लाख महिलाओं के ड्रॉप बच्चों के ड्रॉप आउट को लेकर के एडमिशन हुए हैं सरकारी स्कूलों में। तो ये सारी चीजें जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने की चीजें, होना ही चाहिए कि आप तथ्यात्मक रूप से स्वीकार करें, तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ आए। और यदि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो गलत है, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट गलत है, तो चैलेंज करिए, हटाइए उसको। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि उसमें भी घालमेल किया था इन्होंने, उसके बावजूद ये आंकड़े हैं, तो ये आंकड़े ऐसे हैं जो महिलाओं में भय को व्याप्त करवाते हैं, प्रदेश की जो राजनीति है उसको शर्मसार करते हैं और महिला मुख्यमंत्री के लिए सबसे बड़ा। चलिए मानचंद जी आपके पास मैं आऊंगा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और प्रदेश की जनता भी जानती है कि जो असल आंकड़े होते हैं जमीनी हकीकत उससे बहुत ऊपर होती है, क्योंकि आंकड़े सिर्फ वो मामले दर्ज दिखाते हैं जो कि दर्ज हुए हैं, जबकि उससे ज्यादा प्रतिशत उसका होता है जो दर्ज होते नहीं। और अगर फिर भी आंकड़े डराने लगे तो क्या वाकई में आपको लगता नहीं कि प्रदेश के अंदर एक गहरे चिंतन के विषय है? महिलाओं के उत्थान की बात सिर्फ होती है, होता नहीं कुछ। देखिए जो मैडम ने अभी जो कांग्रेस की प्रवक्ता है उन्होंने अपनी बात को रखा, मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ जी। भीलवाड़ा में या किसी भी वाड़ा में 5 दिन तक बाल विवाह होते रहे, अब बाल विवाह अगर होते रहे तो उसका कानून मालूम है आपको क्या है? उसमें शिरकत करने वाले को, पंडित को, दीमने वाले को, जिमाने वाले को, लड़के वाले को, लड़की वाले को और उसमें शादी में बराती वाले को, उन सबके जो है सबके ऊपर अपराध का मुकदमा लगेगा। आपने एक भी मुकदमा दर्ज किया क्या? अगर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया इसका मतलब ये होता है कि एक भी बाल विवाह नहीं हुआ। अगर इस बात को अगर मान ले तो मान ले, कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई। क्योंकि दोष बहुत है, दोषी कोई नहीं है। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं, कितनी बार आप ये कहेंगे 23.5% आप मृत्यु बता रहे हैं प्रसव के द्वारा, आप बताइए इसको मैं क्या विश्लेषण करूं और क्या मैं संवेदना व्यक्त करूं, क्या मैं इसको गलत कहूं और क्या मैं कार्रवाई की बात करूं? अरे भाई वहां पर जो सीधा जो अधिकारी है वो दोषी है, जो कर्मचारी है वो दोषी है, उसके ऊपर अधिकारी वो दोषी है, अंतिम रूप से जो मंत्री वो दोषी है जो बार बार कह रहा है अरे राम मैं कौन से मंत्रालय में फंस गया, मेरी इज्जत बचाओ। अब जहां इस तरह की निराहरता हो, इस तरह की ऐसा हो, वहां से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? और मैं देखिए बात यहां पे ये कहना चाह रहा हूं, ये बात बहुत सही कह रही है मैडम कि ये गंभीर विषय है, मैं गंभीरता के साथ मैं कहना चाह रहा हूं, यहां पे मैं कहना चाह रहा हूं तो तुरंत आप कार्रवाई करें, कार्रवाई का परिणाम लेकर आए, परिणाम को प्रचारित करें और उसके बाद में दोबारा मॉनिटरिंग करें और जो अधिकारी है उनको आप पूछें। लेकिन पूछने का सवाल नहीं, मैं अगर मान लो एक आंकड़ा आपसे पूछूं कितने अधिकारियों पर किसी भी विभाग में क्या कार्रवाई की गई, तो ZERO अब जेडी आ रहे हैं, इसका मतलब हम सबसे बढ़िया, सबसे बहादुर है, सबसे
ऊपर चले गए और बिहार के जरा से नीचे। आप बताइए मैं क्या बोलूं उसके बारे में कि राजस्थान साक्षरता में बिहार से जरा सा नीचे है। अब आप बताइए मैं क्या बोलूं। और वैसे भी जो आंकड़ा करीब करीब आ रहा है वो 55 पॉइंट के आसपास में आ रहा है, या मान लो जो भी उससे आगे होगा। अब 55 पॉइंट को आप मान लें और आप फिर एडमिशन ज्यादा हुए, अरे वो एडमिशन से आप अभियान चला रहे हैं, आप गांव गांव में घूम रहे हैं, जो टीचर पढ़ाने की जगह पे उनको एडमिशन का काम दे रहे हैं, पढ़ाने का काम दे ही नहीं रहे, और उसके बावजूद ये हो रहा है। अब मैं आपसे एक बात और निवेदन करना चाह रहा हूं कि महिलाओं के बारे में गंभीर बात है, यानी सरकारी स्कूल की जो होंगी बच्चियां उनको ये लाभ मिलेगा। मेहरबानी करके मनीषा जी आप ऐसा कर दीजिए कि सभी स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियां हैं वो ऐसा करेंगी, जब तो जाके वास्ते में ये होगा कि जहां जहां भी वो होगा वहां। अब देखिए जहां ये आपके स्कूटी देने वाली बात है या साइकिल देने वाली बात है, मंजन जी योजनाओं के बारे में बात करता करता मैं तंग आ गया हूं, क्योंकि उनका कोई फायदा जमीन पर होता है। देख रहा हूं आपसे कह रहा हूं स्कूटी उनको दी जा रही है जो पढ़ती नहीं है। चलिए मंजन जी आपसे कहना चाहूंगा, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा से जब हमने बात की और इस मुद्दे पर जाने की कोशिश की कि आखिर राजस्थान के अंदर महिलाओं के उत्थान के लिए योजनाएं तो बहुत हैं लेकिन काम कोई करती नजर नहीं आती और अपराध का ग्राफ बढ़ता चला जाता है, उन्होंने इस आंकड़ों के बारे में क्या कुछ कहा यह भी आपको सुनाते हैं, जरा सुनिए। देखिए मैं अन्य राज्यों की तो बात नहीं करूंगी लेकिन राजस्थान के लिए मैं कहना चाहूंगी कि जो भी सर्वे एजेंसी है मुझे लगता है कि ये पूरा परफेक्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि जो अगर क्राइम के आधार पे हम बात करते हैं, एट्रोसिटीज ऑफ विमेन के आधार पे बात करते हैं, राजस्थान 2013 में और आज 2016 है, उसमें पहले हम क्राइम जो हमारी विमेन एट्रोसिटीज रेट थी वो 2 पे थी, आज हम 5 पे हैं। तो यही यहाँ पे कंट्राडिक्ट करती है इनके इस सर्वे को कि हम अपराध में ज़्यादा बढ़े हैं। दूसरी बात, अभी एक और ही लेटेस्ट खबर है कि जहाँ यहाँ बालिकाओं की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थे वो कम हुए, मतलब हम बालिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो हर दृष्टि से मुझे लग रहा है कि राजस्थान महिलाओं के क्षेत्र में, बालिकाओं के क्षेत्र में भ्रूण हत्या ये सब जो अपराध के कारण बनते उसमें हम सब चीज़ों में सुधार की ओर बढ़ रहे हैं, तो फिर ये आंकड़े मुझे जस्टिफाई नहीं लग रहे हैं। कमल टांग जी आपके पास मैं आऊंगा, क्योंकि आंकड़ों का जिनका जिक्र मैंने किया वो एनसीआरबी का आंकड़ा 2015 था, नेशनल सर्वे 2014 था और 2011 की जनगणना थी। राज्य महिला आयोग कहती है कि आंकड़ों में कमी आई, तो सवाल फिर ये खड़ा होता है कि क्या ये आंकड़े जो यहां पर दिखाए गए वो गलत थे? नहीं, ये क्या है कि देखिए आंकड़ों की अपने आप में अपनी अपनी वैल्यू होती है और उसको आप अलग अलग तरीके से विश्लेषित कर सकते हैं। जहां पर अभी जैसे निमिता जी ने भी कहा कि ओवरऑल लाइक अपराधों में कमी है, ओवरऑल का परसेंटेज हो सकता है कि अप एंड डाउन हो सकता है एक लेवल पर इनको जब आप बाइफिक्रेट करते हैं, ब्रेकअप करते हैं अलग अलग मुद्दों पर, तो आपको लगता है कि बलात्कार ज्यादा बढ़े, आपको दिखता है कि जो भ्रूण हत्याएं वो ज्यादा हुई, तो इस तरीके से जिन मामलों में वो ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं वो जिन मामलों में कम हुए उससे घटते हुए हो सकते हैं, तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि कुछ कम ज्यादा हो सकता है। तो आंकड़े अपनी जगह है लेकिन व्यवस्थाओं के अंदर जो हालात हैं वो वास्तव में बुरे हैं। आप ग्राउंड पे जाके देखिए कि महिलाओं को क्या स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है, क्या महिलाओं को आप तुरंत न्याय दिला पा रहे हैं, ना परिवार कोर्ट में दिला पा रहे हैं, महिलाओं के साथ जो जाति हो रही है उन पे तुरंत न्याय नहीं हो रहे हैं, बलात्कार पीड़ित महिलाओं के साथ आप ज्यादा जल्दी तुरंत न्याय कराने के लिए स्पेशल कोर्ट खुलवाने जैसी कोई व्यवस्था करते हैं? क्या महिलाओं को लेकर सरकार संवेदनशील आपको नजर आती है? कोई एक ऐसी योजना आपको दिखाई दे रही है जिसको लेकर सरकार गंभीर हो, या योजनाएं सिर्फ कागजों में है, पैसा भी कागजों में और कहां जा रहा है ये भी हर कोई जानता है? ये सबसे बड़ी बात है कि आप योजनाएं जो बनाते हो वो कागजों में ज्यादा दिखती है और धरातल पे नहीं दिखती है, और उसको करने के लिए आपके पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपके पास मजबूत तरीके से काम करने की एक तरीके से मन में पूरी लगन होनी चाहिए। क्या सरकार के अंदर ये दिखाई दिया पिछले 2.5 साल में दिखाई दिया? बिल्कुल नहीं, मुझे 2.5 साल नहीं, मैं कई सालों का पिछला देखा, आज भी दिखाई नहीं देता उत्तर है। यानी कि सरकार बदलती रहती है, इच्छा शक्ति भी अपनी अपनी जगह खड़ी रहती है। देखिए बात, हालात भी जिन योजनाओं को लेकर के हमने जो आधारभूत जो उस समय की तत्कालीन समस्याएं थी उन लोगों की योजनाएं जो बनाई है उन योजनाओं के क्रियान्वयन और विश्लेषण दोनों के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीर है।
एक उदाहरण योजना बताइए, बिल्कुल योजना बताइए जिसने सभी योजनाएं आप राज्य महिला आयोग में पहली बार जन सुनवाई जैसी एक प्रारंभ किया गया, प्रयोग प्रारंभ किया गया, अधिकाधिक महिलाएं अपील महिलाओं जी रोकना चाहूंगा। शायद आपने प्रोग्राम के दौरान सुर्खियां नहीं देखी, आपने सुर्खियां देखी, शायद ऐसा नहीं होता। आज आपके तीन मंत्री बैठने थे, महज एक मंत्री बैठते हैं। आप जन सुनवाई की बात यहाँ पर कर रहे हैं। जिलों में जाकर के उन योजनाओं के क्रियान्वयन को प्रशासन को मुस्तैद कर रहे हैं और उनके विश्लेषण को लेकर के भी प्रयास कर रहे हैं कि बेहतरीन और कैसे रिजल्ट दे सके, कैसे हर वो अंतिम व्यक्ति, उसका काम यही था हर वो सुनवाई करना। अब वंचन जी आप निरुत्तर चुप हो जाइए, आप गंभीरता से आपकी बात को मानिए, आपको नहीं बोल वंचन जी, आप गंभीरता से सुनने की आदत डालिए। सवाल यह रहा की राजकुमारी जो है ना वो केवल यही करती थी, जन सुनवाई ज्यादा करती थी और आप कह रहे आपको आरम्भ हुई है। अब एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, जी आप स्वीकार क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि आप आप सुनने का धैर्य रखेंगे और आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो आप हमारे मानी गए मंत्री जी हर उस योजना आज जो अपराधों का जो ग्राफ है मैं एक बात कहना चाहते हैं कुछ भी तो फिर क्या आने का कोई नहीं। अगर आप आंकड़ों के साथ बात करेंगे तो सुनने में बेहतर लगता है। आप मुझे बताइए आंकड़े 2 साल के अंदर भी आप मुझे बताइए और जो महिलाओं की मौत के आंकड़े में कितनी कमी आई, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर बाल विवाह को कितना रुकवाया गया, आप मुझे बताइए कि बाल विवाह के दौरान कितने लोगों पर कार्रवाई की गई। चित्तौड़ की जो दुर्घटनाएं बताई जा रही है उन दुर्घटनाओं पे भौतिक सत्यापन के पश्चात मुकदमे भी दर्ज हुए और कार्रवाई भी हुई जी, और बिल्कुल हुई है। मनीषा जी अगर शायद कार्रवाई हुई होती तो शायद एक नजीर बन जाती। प्रशासन भी मुस्तैद है, सरकार भी मुस्तैद है, योजनाएं भी बहुत अच्छे से चल रही हैं, अरबों रुपए खर्च भी हो रहा है, लेकिन अफसोस उसका फायदा नहीं उठा पा रहा। चलिए हम ये मान लीजिए, एक जो स्टैंडर्ड हो सकता है यानी फला अपराध के लिए तथ्यात्मक बातों के आधार पर जो आप अपनी कार्रवाई लूटने के लिए मानचंद जी जो कर रहे हैं, निराधार बात नहीं कर रहा हूँ, ये निराधार है। आप इन बातों से नहीं, आप उस जनता से जाकर के पूछिए। निमिषा जी जनता बोल रही है, आंकड़े में पेश कर रहा है जनता के। अगर आप आंकड़ों के जरिए मुझे गलत साबित कर सकती हैं तो प्लीज कीजिए, जनता भी चाहती है। मैंने कहा आपको, आप गृह विभाग की वेबसाइट खोलिए, जो आप ये कहना चाहते हैं कि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो गृह विभाग के लिए नहीं बनते हैं, क्या आप ये कहना चाहते हैं? गृह विभाग के लिए नहीं बनते हैं। देखिए स्वास्थ्य विभाग में जो दुर्घटनाएं हैं और जो प्रसव पूर्व मृत्यु है उसके जो आंकड़े हैं, अब ये किससे बाद आंकड़े नहीं होकर बोले जाएंगे, प्रश्न किससे पूछा जा रहा है, कुछ सुनाइए आप। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बैरोमीटर क्या उसका जी, मैं एक बैरोमीटर आपको बता रहा हूँ जी, बाल विवाह यहाँ पर होते हैं या नहीं होते हैं, इसके विरोध में कितने लोगों को आपने सजा दी? अगर सजा नहीं दी बाल विवाह नहीं होते, अगर सजा दिए तो बाल विवाह होते हैं, यानी सजा नहीं दी तो बाल विवाह नहीं। इसका मतलब सरकार पंचू है, सरकार निष्क्रिय है, सरकार आपने बताया उसके आधार के दौरान निमिषा जी आपको भी मैं रोकना चाहूंगा। अर्चना जी देखिए आप अर्चना जी आपके पास मैं आना चाहूंगा और सीधा सा सवाल यही है कि क्या वाकई में 2.5 साल के अंदर आपको कुछ ऐसा नजर आया, कोई एक ऐसी योजना नजर आई जिसकी विपक्ष में होते हुए भी कांग्रेस ये कहे कि बीजेपी ने महिला उत्थान के लिए बेहतर किया? देखिए विजन में सिर्फ क्रिटिकल होने से पढ़नी पड़ती है ऐसे मुद्दों पर, और हम अनाप शनाप आंकड़े प्रस्तुत करें और वाद विवाद करें तो उससे कोई असर नहीं होता। आंकड़े नहीं, धरातल पे जाके देखिए आप, नहीं हमने आंकड़े नहीं, धरातल पे जाके देखिए। और मैं आपको आज
आपको कह रही हूँ, आज मैं ये कह रही हूँ, मैं क्यों जब ये अनर्गल प्रलाप कर रही थी, झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रही थी, किस तरह के झूठे आंकड़े, आंकड़े आपके कार्यकाल में दिखे क्या, आपके आंकड़े आपके कार्यकाल में क्या दिखा, महिलाओं को लेकर विजेंद्र और महिला प्रवक्ताएं भी उन चीजों का पक्ष लेती है जिनका इनको खुलकर के विरोध करना चाहिए। बिल्कुल पक्ष लेंगे, क्योंकि महिला कॉन्फिडेंस में कमी आई है, हमारी सरकार संवेदनशील है, वो विक्टिम टूरिज्म में संलग्न है, उन्होंने तो महिलाओं की कुर्सी में बैठकर भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बन के जवाब दिया, कॉन्ट्रडिक्शन प्रस्तुत कर रही अपनी सरकार के अधीन काम करने वाली संस्था का। अब सोच लीजिए इस सरकार में ढाई साल में दुर्दशा हुई और अति दुर्दशा की ओर अग्रसर है महिला यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर न आंकड़े है न सच्चाई स्वीकार, सच्चाई है हर वो व्यक्ति लाभान्वित है, हर वो व्यक्ति लाभान्वित है, हम तो उठाते हैं मुद्दों, निराधार बिल्कुल उठाइए, बिल्कुल बिल्कुल, हमें सशक्त विपक्ष की भूमिका आ रही है, आपने अपने कार्यकाल में क्या किया है, हमसे सचेत विपक्ष, हाँ आपने क्या किया, आपने क्या किया अपने कार्यकाल में, आपने क्या किया, किसके सर पर राजस्थान को उस बात के साथ फोटो, बिल्कुल शर्मसार किया आपके उन मंत्रियों ने, शर्मसार किया, शर्मसार किया वाकई में महिला के साथ, बिल्कुल जेल में बैठे हैं, बिल्कुल आज तक जेल में बैठे हैं, आपके प्रदेश के मंत्रियों ने जिस तरह का किया महिलाओं के साथ बात कर दी है, आपको लगे की अपराध के आंकड़ों में महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, उत्थान की जो बात है, आप आगे बैठे हैं, आप आगे बैठे हैं, समाधान है इसका, निराधार माहौल बनाना चाहते हो, निराधार माहौल के आरोप लगाना चाहते हो, क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है आपके पास, आपके पास मुद्दा नहीं है, आपके पास कोई मुद्दा विहीन हो चुकी है, निशा जी आपको भी रोकना चाहूंगा, निशा जी रोकना चाहूंगा मैं आपको, कमल कांत जी आपके हित के लिए बात कर रहे हैं, पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए ऐसे ही बातें करेंगे, समस्या यही है कि बीजेपी को कोई मुद्दा लगता ही नहीं, रोजगार पर बात करते हैं, आपके पास कोई बात नहीं है, क्यों, क्योंकि हम जनता के साथ निरंतर संपर्क में है, निमिषा जी रुकिए, अब रुकिए जरा कमल जी, हाँ सर, आपका जो कहना है कि अब इस तरीके के जो अपराध बढ़ रहे हैं इनको हम, मेरे को लगता है कि इनको सरकार को कम करने के लिए जो योजना बनानी चाहिए उस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, आज जब न्याय चाहिए कैसे त्वरित न्याय मिले उस व्यवस्था को बनाने के लिए सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हम करते हैं और कर भी रहे हैं, बिल्कुल की और पसंद नहीं है कि कोई आपके बोलते वक्त बोले तो दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए, आप बाकी लोगों को, जब मैं अपनी बात रखती तो बाकी लोगों को चुप क्यों नहीं कराते, निराधार बातों को मैं क्यों सुनूं, बैठ के अनर्गल बात कर रही थी, अनर्गल बात क्यों आप कर रही थी, हमने बीच में नहीं बोला, मैं तो आधरात्मा बोलता हूँ, क्यों लेकर आई हूँ, अर्चना जी मैं तो अपनी पार्टी के गंभीरता का प्रतिबिंब स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए आप अर्चना जी, स्वीकार कर लीजिए आपकी बात, कोई आधार नहीं आपके पास, हमारे पास कोई आधार नहीं, आधार नहीं हो चुका है, रिस्पॉन्ड कीजिए, कोई आधार नहीं आपके पास, निमिषा जी सुन लीजिए, कमल जी रिस्पॉन्ड कीजिए, जब तथ्यों के बिना आते हैं, मैं तो तथ्यों को बैठी हूँ, आप सुनने को तैयार नहीं हो, जी जी निमिता जी सुनिए, हम देखिए ऐसे झगड़ते रहेंगे, मुद्दों को बनाया जाए, क्रिएट किया जाए, बैठ के हम चार लोग बैठ के कोई सहमति की बात नहीं कर पा रहे हैं, हम सरकार के और पूरे प्रदेश की कैसे व्यवस्था सुधरे उस दिशा में कोई बात नहीं कर पा रहे हैं, और आपस में इन तथ्यों और आंकड़ों में उलझ के रह जाएं तो उससे तो कोई सार नहीं निकलेगा ना जी, और मेरा यही कहना है कि सरकार की तरफ से उनको त्वरित न्याय दिलाने की कोई व्यवस्था बिठाने का अगर कोई माध्यम है या अगर आपके पास कोई योजना है तो उसको सामने रखनी चाहिए और उसके ऊपर बात करनी चाहिए कि हम इस तरीके से अपराध को घटाने के लिए महिलाओं के मुद्दों को मतलब अग्रणीता से लेने के लिए ये व्यवस्था ये ढांचा बिठा रहे हैं जी। हो सकता है आपके अभी अभी एक जो आपने दिखाया
कि जो महिला अध्यक्षा है महिला आयोग की, उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा 2013 और अब जो दर्ज किए जा रहे हैं उनके मामलों में दर्ज करने में परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन इसके दोनों तरह के मामले हैं। एक तरफ से आप ये कह सकते हैं कि हम एक्टिव होकर ज्यादा दर्ज कर रहे हैं और पुरानी सरकारें दर्ज नहीं कर रही थी, और दूसरा ये हो सकता है कि पुरानी सरकार में मामले ही नहीं आते थे और आपकी सरकार में मामले खूब आ रहे हैं। चलिए, आपका भी शुक्रिया, और मानचंद खंडेला जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। जनता सिर्फ ये चाहती है कि योजनाएं आप बनाए ना बनाए इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो योजना बना चुके कम से कम उनको धरातल पर लेकर तो आइए, उनकी मॉनिटरिंग तो कीजिए, और कम से कम आंकड़ों के जरिए बताइए तो सही कि किस तरीके से आप महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही हैं। 3 महीने में मॉनिटरिंग तो कीजिए और ये बताइए कि आपके प्रशासनिक अधिकारी ने क्या किया, और अगर नहीं किया तो आखिर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। बिग बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही।